आज 11 नवंबर 2019 का मौसम, मौसम की जानकारी की बात करते हैं। वेदर न्यूज के साथ ही हम बात करेंगे तमाम बड़ी खबरों के बारे में। आज की पहली बड़ी खबर आप देख पा रहे हैं, बुलबुल के कहर से सैकड़ों पेड़ उखड़ गए हैं, ब्रिज टूट गए हैं, 3 लाख लोग प्रभावित बताए जा रहे हैं। उड़ीसा और बंगाल से टकराने के बाद तूफान कमजोर पड़ गया है। बंगाल की खाड़ी में उठा चक्रवाती तूफान बुलबुल शनिवार रात पश्चिम बंगाल के सागर आइलैंड्स, उड़ीसा के भद्रक और बांग्लादेश के खेपोपाड़ा में तट से टकराया। तूफान की रफ्तार करीब 110 से 120 किलोमीटर प्रति घंटा रही। हालांकि तूफान बाद में कमजोर पड़ गया। बताया जा रहा है कि इससे करीब 3 लाख लोग प्रभावित हुए हैं और करीब 7 लोगों की जान इसमें चली गई है। चक्रवात की तबाही से दक्षिण 24 परगना जिले के नामखाना इलाके में हतानिया दोनिया नदी पर बना एक ब्रिज धराशायी हो गया। इसके अलावा चक्रवाती तूफान से उत्तरी 24 परगना जिले के बसीरहाट उपमंडल में 5 लोगों की जान चली गई, जबकि दक्षिण 24 परगना और पूर्वी मिदनापुर जिले में एक एक जान चले जाने की खबर है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक दक्षिण पूर्व बांग्लादेश और उससे सटे दक्षिण त्रिपुरा में आज सुबह 5:30 बजे गहरे विक्षोभ की स्थिति बन गई। चक्रवात बुलबुल अगले 6 घंटों के दौरान कमजोर हो जाएगा। तरह तरह की तस्वीरें आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। बात करते हैं आज की अगली बड़ी खबर की। अयोध्या मामले का फैसला सुनाने वाले 5 जजों की सुरक्षा बढ़ाई गई है। अति संवेदनशील अयोध्या मामले का फैसला सुनाने वाले सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने रविवार को कहा कि एहतियातन इन जजों की सुरक्षा में अतिरिक्त जवानों की तैनाती की गई है। सीजेआई समेत किसी अन्य जज को लेकर कोई विशेष खतरा नहीं है। बात करते हैं आज की अगली बड़ी खबर की। कर्नाटक की 15 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव का ऐलान हो गया है। 5 दिसंबर को वोटिंग होगी। आपको बता दें कर्नाटक में कांग्रेस के 17 विधायकों ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद HD कुमारस्वामी की सरकार अल्पमत में आ गई थी। कर्नाटक के मुख्य निर्वाचन अधिकारी संजीव कुमार ने रविवार को कर्नाटक की 15 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। 5 दिसंबर को मतदान होगा और 9 दिसंबर को वोटों की गिनती की जाएगी। चुनाव अधिकारी ने बताया कि 11 नवंबर से आदर्श आचार संहिता लागू हो जाएगी। बात करते हैं आज की अगली बड़ी खबर की। नेशनल एजुकेशन डे 2019, जी हाँ, आज 11 नवंबर को देश के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद की जयंती मनाने के लिए देश भर में राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जा रहा है। 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। आपको बता दें 11 सितंबर 2008 को मानव संसाधन विकास मंत्रालय HRD ने घोषणा की थी। मंत्रालय ने भारत में शिक्षा के क्षेत्र में उनके महान योगदान को याद करते हुए देश के इस महान पुत्र के जन्मदिन को मनाने का निर्णय लिया है। बात करते हैं आज की अगली बड़ी खबर की। उत्तराखंड के निजी व सरकारी विश्वविद्यालयों में लागू होगा अलग अलग अम्ब्रेला एक्ट, तैयार हो गया है इसका ड्राफ्ट। 18 नवंबर की कैबिनेट बैठक में इसका प्रस्ताव आ सकता है। प्रदेश के निजी विश्वविद्यालयों में अब एक समान मानक लागू होंगे, वे चाहे कुलपति की नियुक्ति से संबंधित हो या फिर शिक्षकों की। ठीक इसी तरह सरकारी विश्वविद्यालयों में भी समान रूप से मानकों को लागू किया जाएगा। सरकारी और निजी विश्वविद्यालयों के लिए अलग अलग अम्ब्रेला एक्ट का ड्राफ्ट तैयार कर लिया गया है। बात करेंगे आज की अगली बड़ी खबर की। शेयर बाजार को लेकर विदेशी संकेतों से लाल निशान में खुले बाजार, सेंसेक्स में 66 अंकों की गिरावट। एशियाई और यूरोपीय बाजारों में छाई मंदी के कारण घरेलू शेयर बाजार कारोबारी सप्ताह के पहले दिन सोमवार को गिरावट के साथ लाल निशान में खुले। बम्बो स्टॉक एक्सचेंज का 30 शेयरों का संवेदी सूचकांक सेंसेक्स 101 अंकों की गिरावट के साथ 40,222 अंकों पर खुला। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का 50 शेयरों का संवेदी सूचकांक निफ्टी 31 अंकों की गिरावट के साथ 11,877 अंकों पर खुला। हालांकि थोड़ी देर बाद ये गिरावट कम हो गई। बात करेंगे आज की अगली बड़ी खबर की। देश की पहली प्राइवेट ट्रेन तेजस को अक्टूबर में 70 लाख रुपए का मुनाफा बताया जा रहा है। रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन IRCTC की ओर से चलाई जा रही देश की सबसे पहली प्राइवेट ट्रेन तेजस ट्रेन ने अक्टूबर महीने में 70 लाख रुपए का मुनाफा कमाया है। सूत्रों के हवाले से PTI की रिपोर्ट में कहा गया है कि तेजस ट्रेन ने टिकटों की बिक्री के जरिए इस अवधि में 3.70 करोड़ रुपए की कमाई की है। बात करेंगे आज की अगली बड़ी खबर की। मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने के लिए बनाए जाएंगे 4 मेडिकल डिवाइसेज पार्क। किफायती कीमतों पर वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट उपलब्ध कराने और मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने के लिए 4 मेडिकल डिवाइस पार्क बनाए जाएंगे। केंद्र सरकार ने इन पार्कों को बनाने के लिए अपनी मंजूरी दे दी है। ये पार्क अलग अलग राज्यों में बनाए जाएंगे। सूत्रों के हवाले से PTI की रिपोर्ट में बताया गया है कि जिन राज्यों में इन पार्कों का निर्माण किया जाएगा उनमें आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु और केरल शामिल है। साथ ही उत्तराखंड और गुजरात ने भी अपने यहाँ ऐसे मेडिकल डिवाइस पार्क को बनाने के लिए सिफारिश की है। बात करेंगे आज की अगली बड़ी खबर की। ई कॉमर्स को लेकर सिंगल डे सेल में नया रिकॉर्ड बनाने की तैयारी में है अलीबाबा। दिग्गज ई कॉमर्स कंपनी अलीबाबा के 24 घंटे के मेगा शॉपिंग इवेंट सिंगल डे की सेल सोमवार को शुरुआत होने वाली है। इस साल कंपनी सेल से नए रिकॉर्ड बनाने की उम्मीद में है। ये शॉपिंग फेस्टिवल हर साल 11 नवंबर को आयोजित किया जाता है। द बेस्ट डील ऑफ द ईयर का नाम दिया जाता है और द वर्ल्ड बिगेस्ट ग्लोबल शॉपिंग फेस्टिवल बताया जाता है इसको, अलीबाबा की सेल को। अच्छा बात करेंगे आज की अगली बड़ी खबर की। जेब पर भारी पड़ सकता है इंटरनेट चलाना, टैरिफ बढ़ाने की तैयारी में दूरसंचार विभाग। आने वाले दिनों में आपके मोबाइल बिल में बढ़ोतरी हो सकती है, इसके लिए टैरिफ में बढ़ोतरी हो सकती है। दरअसल दूरसंचार विभाग DOT ने एक अनुमान लगाया है कि यदि टैरिफ में 10% की बढ़ोतरी कर
दी जाए तो टेलीकॉम कंपनियों को अगले 3 साल में करीब 35,000 करोड़ रुपए की एक्स्ट्रा कमाई होगी। इससे कंपनियों को वित्तीय हालत सुधारने में मदद मिलेगी। इस तरह की मीडिया रिपोर्ट चल रही है। बात करते हैं आज की अगली बड़ी खबर की। पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त टीएन शेषन नहीं रहे, पीएम मोदी ने दुख जताया है। पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त टीएन शेषन का 86 वर्ष की अवस्था में रविवार को निधन हो गया। चेन्नई स्थित अपने आवास पर टीएन शेषन ने आखिरी सांस ली। बात करेंगे आज की अगली बड़ी खबर की। महाराष्ट्र को लेकर इलेक्शन में अपडेट आप देख सकते हैं। शिवसेना नेता अरविंद सावंत ने केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफे का ऐलान किया है। पवार ने बुलाई बैठक। महाराष्ट्र में चल रहे राजनीतिक संकट के बीच शिवसेना नेता अरविंद सावंत ने केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफे का ऐलान कर दिया है। उन्होंने आज 11 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात कही है। आपको बता दें सावंत मोदी कैबिनेट में भारी उद्योग एवं सार्वजनिक उद्यम मंत्री है। बात करेंगे आज की अगली बड़ी खबर की। पेट्रोल प्राइस टुडे डीजल प्राइस टुडे अपडेट में देख सकते हैं। पेट्रोल के दामों में भारी बढ़ोतरी हुई है, डीजल सस्ता हुआ है। तेल विपणन कंपनियों ने सोमवार 11 नवंबर को लगातार 4th दिन पेट्रोल के दामों में भारी इजाफा किया है। सोमवार को दिल्ली में पेट्रोल 73.20 रुपए प्रति लीटर है, डीजल 65.85 रुपए प्रति लीटर में बिक रहा है। बात करते हैं आज की अगली बड़ी खबर में। वोडाफोन ने लॉन्च किया नया आरईडी प्लान, इसकी खासियत सुनकर उछल पड़ेंगे आप। वोडाफोन के इस प्लान में एंटरटेनमेंट के एप्स मौजूद है और इस प्लान की कीमत 999 रुपए बताई जा रही है। एयरटेल जियो कंपनियों को टक्कर देने के लिए अपने ग्राहकों के लिए खास प्लान लॉन्च किया है। कंपनी ने अपने पोस्टपेड उपभोक्ताओं के लिए रेड नाम का एक प्लान लॉन्च किया है। बात करेंगे आज की अगली बड़ी खबर की। शाओमी ने लॉन्च किया 108 मेगापिक्सल कैमरा, 5260mAh की बैटरी, 6+128GB वाला एकदम नया फोन आप देख सकते हैं। चीन की स्मार्टफोन निर्माता शाओमी ने स्पेन में अपने नए फोन मी नोट 10 और मी नोट 10 प्रो को लॉन्च कर दिया है। इसका सबसे बड़ा आकर्षण 108 मेगापिक्सल रियर कैमरा है और इस फोन की कीमत लगभग 43,200 रुपए बताई जा रही है। वहीं 10 प्रो की जो कीमत है वो 51,000 रुपए के लगभग है। बात करेंगे आज की अगली बड़ी खबर की। अयोध्या पर सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का भारतीय उद्योग जगत ने किया स्वागत। अयोध्या भूमि विवाद मामले में उच्चतम न्यायालय के शनिवार के निर्णय का भारतीय उद्योग जगत ने एक पुराने कानूनी विवाद का समाधान और न्यायपालिका का साहसिक निर्णय बताते हुए इसका स्वागत किया है। उद्योग वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने इसे दशकों के कानूनी विवाद का हल बताया तो उद्योगपति और महिंद्रा एंड महिंद्रा समूह के प्रमुख आनंद महिंद्रा ने इसे न्यायालय का अभूतपूर्व साहस बताया है। बात करेंगे आज की अगली बड़ी खबर की। आज और कल नहीं लागू होगा OD1, गुरु नानक जयंती की वजह से दी गई छूट। आपको बता दें गुरु नानक देव जी के 550वें प्रकाशोत्सव के मौके पर आज 11 नवंबर और कल 12 नवंबर को OD1 प्रतिबंध लागू नहीं होगा। सीएम केजरीवाल ने सिख समुदाय के लोगों के आग्रह पर 2 दिन के लिए नियमों में ढील दी है। बात करेंगे आज की अगली बड़ी खबर की। अजय देवगन की फिल्म मैदान की रिलीज डेट आई सामने। बॉलीवुड स्टार अजय देवगन की मोस्ट अवेटेड स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्म मैदान की रिलीज डेट सामने आ चुकी है। ये फिल्म फुटबॉल के खेल के ऊपर बनी है जिसमें अजय देवगन मुख्य किरदार निभाते हुए नजर आएंगे। ये फिल्म एक बायोपिक है। इस फिल्म का पोस्टर पहले ही सामने आ चुका है। बताया जा रहा है कि ये फिल्म 27 नवंबर 2020 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। बात करते हैं आज की अगली बड़ी खबर की। व्यापारी लड़ेंगे आर पार की लड़ाई, ई कॉमर्स कंपनियों के खिलाफ करेंगे आंदोलन। देश भर के व्यापारियों के संघ CAIT ने ई कॉमर्स कंपनियों के खिलाफ आर पार की लड़ाई लड़ने का फैसला किया है। इसके लिए 13 नवंबर से व्यापारियों का आंदोलन शुरू हो रहा है। व्यापारी संघ का आरोप है कि ई कॉमर्स कंपनियां देश में ऑनलाइन शॉपिंग के जरिए मोनोपोली करना चाहती है और जानबूझकर कम और बहुत कम दाम पर सामान बेचने के लिए तरह तरह के लुभावने ऑफर लाती रहती है। रिटेल बाजार के व्यापारिक माहौल को खराब कर रही है, तो ऐसे में ये आंदोलन हो सकता है जिसकी खबर चल रही है। बात करेंगे आज की अगली बड़ी खबर की। हेल्थ टिप्स आप देख सकते हैं। रोजाना 1 गिलास गर्म पानी पीजिएगा और अपने शरीर में कमाल देखिएगा। हमारी लाइफस्टाइल में अक्सर हमारी आदत रहती है कि हम सुबह उठते ही गर्म चाय या कॉफी पीते हैं, लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए कि हमारी सेहत के लिए नुकसानदायक है। यानी दोस्तों सुबह उठते ही चाय पीने से या कॉफी पीने से कब्ज, पेट दर्द, गैस जैसी पेट संबंधी बीमारियां हो सकती है। और सेहतमंद अगर आपको रहना है तो इसका जवाब है गर्म पानी। जी हाँ, डॉक्टर हमें उचित मात्रा में पानी पीने की सलाह देते हैं। आपको बता दें दिन में कम से कम रोज 10 गिलास पानी पीना चाहिए। इससे आपका डाइजेस्टिव सिस्टम, स्किन और बाल हेल्थी रहते हैं और इन सबके बीच सुबह सुबह गर्म पानी पीना भी ज्यादा फायदेमंद रहता है। रोज सुबह 1 गिलास गर्म पानी पीने के कई तरह के फायदे होते हैं। हमारे पेट के जो कीटाणु है, जीवाणु है, वो मरते हैं। पेट की अधिकांश बीमारियां इससे दूर होती है। मोटापा दूर होता है। भूख ना लगने की समस्या भी इससे दूर होती है। डाइजेस्टिव सिस्टम सही काम करता है। मौसम सर्दी का आने वाला है और ऐसे में इस बदलते मौसम में कई लोगों को गले में खराश, छाती में जकड़न और जुकाम की शिकायत रहती है, तो 1 गिलास आपको गर्म पानी पीना चाहिए सुबह सुबह। इसके अलावा सॉफ्ट ड्रिंक की जगह आप गुनगुना पानी या नींबू पानी पीने से अपना एनर्जी लेवल भी बढ़ा सकते हैं। बात करते हैं दोस्तों आज की अगली बड़ी खबर की। आज से आसान किस्तों पर जमा करें बिजली का बकाया बिल। बिजली विभाग ने बड़े बकायेदारों को किस्तों में बिजली बिल जमा करने की सुविधा दी है। इसके लिए आसान किस्त योजना शुरू हो गई है। इस योजना से उपभोक्ता किस्तों में अपने बकाया बिल का भुगतान कर सकेंगे। ये योजना 30 नवंबर तक चलेगी। ये खबर आ रही है दोस्तों उत्तर प्रदेश फतेहपुर को लेकर, जिसमें आप जानकारी देख पा रहे हैं। बता दें आपको घरेलू 4 किलो
मंगलवार तक के ग्रामीण और शहरी उपभोक्ताओं को 31 अक्टूबर 2019 तक की बकाया धनराशि के भुगतान को आसान किस्तों में सहूलियत दी जा रही है। ग्रामीण उपभोक्ताओं को 24 मासिक किस्तों और शहरी उपभोक्ताओं को 12 किस्तों में बिल जमा करने की सुविधा दी जा रही है। योजना का लाभ लेने के लिए रविवार से पंजीकरण शुरू हो गए हैं। डिटेल से जानकारी और स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। बात करेंगे आज की अगली बड़ी खबर की। नेट और जीआरएफ परीक्षा के प्रवेश पत्र अपलोड कर दिए गए हैं। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी विभिन्न प्रतियोगी प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी में जुट गया है। एजेंसी ने रविवार को नेट जेआरएफ के प्रवेश पत्र एडमिशन कार्ड वेबसाइट पर अपलोड कर दिए हैं। अभ्यर्थी आवेदन क्रमांक और पासवर्ड डालकर इन्हें डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसी के साथ ही आज के मुख्य समाचार और ब्रेकिंग न्यूज अपडेट का वीडियो विराम देते हैं। एक नए न्यूज वीडियो में जल्द ही नए वीडियो के साथ नए टॉपिक में मिलेंगे। बने रहिए माय स्मार्ट गाइड पर। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।